वेलकम बैक टू मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज एंड दिस टाइम आई एम विद नॉन फेरस मिनरल्स लेट्स टॉक अबाउट कॉपर फर्स्ट सो प्रॉपर्टीज कॉपर इज मेलिएबल डकटाइल अगर मेलिएबल है डकटाइल है विच मीन्स इट कैन बी फोल्डेड और रोल्ड इं टू शीट्स थिन शीट्स एंड कैन बी कन्वर्ट इन टू वायर लॉन्ग वायर तो यूज कहाँ होगा वायर इट्स अ हिंट इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है कॉपर का अब एक चीज और याद रखिए कि वेयर डू वी फाइंड कॉपर कॉपर स्पेशली वी गेट इट फ्रॉम राजस्थान मध्य प्रदेश झारखंड कर्नाटका एंड देन यू राइट ई टी सी एटलीस्ट थ्री स्टेट यूनिट टू रिमेंबर वाई यू आर राइटिंग दी आंसर न देस ए बालाघाट माइन्स इन मध्य प्रदेश प्रोड्यूस फिफ्टी टू परसेंट ऑफ इंडिया कॉपर प्रोडक्शन सो बालाघाट जो है वो मध्य प्रदेश में है सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर कौन होगा यस मध्य प्रदेश क्योंकि एक ही माइन अगर फिफ्टी टू परसेंट आपको दे रहा है तो कोई दूसरी माइन भी होंगी नजदीक अगर 52 परसेंट वैसे भी वो जो है कंट्री का हाफ से ज़्यादा प्रोडक्शन है तो मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन आर कंट्री सिंगम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज़ ऑल्सो अ लीडिंग प्रोड्यूसर रिकलेक्ट सिंगबम में कोई और भी मिनरल मिलता है जो हमने फर्स्ट शुरू किया था यस आयरन और तो सिंगबम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं एक आयरन और जो फेरस है और दूसरा नॉन फेरस कॉपर Remember Khetri, it's the only mine in Rajasthan which gives you copper. So, Khetri in Rajasthan, Balaghat in Madhya Pradesh, Singhbam in Jharkhand. These are the three states and three districts where we get copper from. Moving ahead with bauxite. Bauxite is the ore from which you get aluminium. Now, aluminium is extremely malleable and ductile, as strong as steel, but very light. तो अगर स्टील के जितना हार्डनेस है और बहुत लाइट है तो ज्यादातर यूज जो है एरोप्लेन बनाने में यूज होता है और एक चीज याद रखिए इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल सच एस आयरन विद एक्सट्रीम लाइटनेस एंड ऑल्सो विथ गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मेलियबिलिटी दीज आर द प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ वेज बॉक्साइड और एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग एरोप्लेन एंड इलेक्ट्रिकल industry Also some utensils are also prepared, but then they are not regularly used nowadays. I remember one fact which I want to share. aluminum se yaad aaya ki in France jo Napoleon 3 है, इन्होंने चांदी के बर्तनों में खाना खाना बंद कर दिया था, and he made it compulsory that everyone should eat in aluminium plate. उन्हें aluminium इतना ज़्यादा पसंद आया था. बहुत weird सी चीज़ है, but that's okay. तो एल्यूमिनियम बॉक्साइड से आता है और बॉक्साइड के डिपॉजिट ज़्यादातर इंडिया में अमरकंटक प्लेटो में है माइकल हिल्स या फिर माइकाल हिल्स ये जो है सब चीज़ याद रखिए छोटा नागपुर प्लेटो में ही आपको सारी माइंस मिलेंगी क्योंकि मैक्सिमम मिनरल्स वी गेट इट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटो स्पेशली फ्रॉम उड़ीसा झारखंड एंड छत्तीसगढ़ सो अमरकंटक प्लेटो माइकल हिल्स एंड द प्लाटो रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी ज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइड ओरिसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बॉक्साइड इन इंडिया अराउंड फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ अवर टोटल मूविंग अड टू द नेक्स्ट वन एंड इट्स माइका एज यू कैन सी इन द पिक्चर थोड़े लेयर्स लग रहे हैं आपको थीन शीट ऑफ लेयर सेडिमेंटेड है तो माइका जो है ज्यादातर आपको अलग अलग कलर्स में मिलते हैं इट कैन बी क्लियर क्रिस्टल थोड़ा सा थोड़ा येलोइश, थोड़ा ब्लैक थोड़ा ग्रीन रेड आ, लिटरली सतरंगी टाइप नॉट इतना सतरंगी बट येस yes, काफ़ी ज़्यादा वराइटी में एक ही मिनरल आपको मिलता है इतने ज़्यादा वरायटी में कोई और मिनरल नहीं मिलेगा नाउ माइका इज मोस्ट इंडिस्पेंसेबल मिनिरल यूज इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा यूज क्यों बिकॉज ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लो पावर लॉस फैक्टर एंड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ अच्छा हाई रेसिस्टेंस है इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है कि माइका कौन से चीज़ में ज़्यादा यूज़ किया अप्लायंस तो प्लीज़ आप अपनी जो आयरन्स हैं उन्हें खोलिए है। अगर आप उसे खोल के देखोगे तो माइका की पतली पतली शीट्स होती हैं उसके ऊपर से वायरिंग होती है तो आप प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटो अगेन एज आई सेड मोस्ट ऑफ द यू विल फाइंड इन छोटा नागपुर प्लेटो एक और चीज पे फोकस कीजिए बार बार आई एम टॉकिन अबाउट छोटा नागपुर प्लेटो छोटा नागपुर प्लेटो अगर कभी आप कोई माइंड भूल जाओ Simply राइड they are abundantly available in Chota Nagpur Plateau. See, you are not wrong, but you are not right too. तो फिर जो है ना बेनिफिट ऑफ डाउट आप ही को मिलेगा तो जीरो तो नहीं मिलेगा दैट्स द थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड तो जीरो नहीं लाना है तो छोटा नागपुर प्लेटो याद रखना है मूविंग अवे टू रॉक मिनरल्स जैसे कि नाम है हम पत्थरों की बात करेंगे तो सबसे पहले लाइम स्टोन फाउंड एसोसिएटेड विद रॉक्स कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स ये अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इनकी और उस हिसाब से इनका कलर टेक्सचर और हार्डनेस डिपेंड करता है इट इज बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एंड एसेंशियल फॉर मेल्टिंग ऑफ और इन द ब्लास्ट फर्नेस सबसे इंपॉर्टेंट कैटेलाइजर है इसे हम चूना पत्थर कहते हैं एक और चीज वेन एवर देर इज अ पेंटिंग गोइंग इन योर हाउस टेक दिस लाइम स्टोन पुट इन दैट बकेट दे विल गिव यू अ बकेट एंड ऑल देन स्टेर इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू विल फाइंड दैट बकेट बिकम वेरी वेरी हॉट वो मेल्ट भी हो सकता है अगर प्लास्टिक का है तो इससे आप समझ सकते हो कि कितना टेम्परेचर ब्लास्ट फर्नेस का वो रेस कर देता है और आयरन ओर के लिए ब्लास्ट फर्नेस में सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है मोस्टली प्रोड्यूस इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश राजस्थान गुजरात कर्नाटका एंड हिमाचल प्रदेश आप कोई भी तीन याद रखिए मध्य प्रदेश राजस्थान बिकॉज पत्थर है तो मध्य प्रदेश राजस्थान एंड कर्नाटक दिमाग में आ ही जाता है मूविंग है टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड इट इज कॉन्जर्वेशन ऑफ मिनरल question is why should we conserve the mineral logic is and basic understanding is see formation of all these minerals take a long period of time millions and millions of years ago this process started and today we get those minerals but the consumption of this mineral is at a very high rate तो रेट एट विच दे आर फॉर्म इज वेरी स्लो बट द रेट एट विच दे आर कंज्यूम्ड इज एक्सट्रीमली फास्ट एंड दैट्स द रीजन वाई वी नीड टू कंजर्व ऑल द मिनरल्स ना कि एक या दो सी बैकबोन ऑफ एवरी कंट्रीज डेवलपमेंट इज मिनरल अगर मिनरल्स हैं तो आपका डेवलपमेंट अच्छा है मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नॉन रेन्यूएबल वंस दे गेट एग्जॉस्टेड दे कैनोट बी रिनी सारे के सारे मिनरल्स जो हैं

यूज ऑफ मिनिरल्स इन सच अ वे दैट साइजेबल अमाउंट इज फॉर द फ्यूचर जनरेशन इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं यूज इन सच अ वे दैट यू कैन यूज इट एंड योर फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो यूज द सेम मिनिरियल ऐसा ना हो कि फ्यूचर जनरेशन विल क्राई एंड ओनली सी दीज मिनिरल्स इन पिक्चर एंड एडवरटाइजमेंट यूज दैम इन अ प्लैंड वे इसे जुडिशियस वे कहते हैं ताकि मिस यूज ना किया जाए या वेस्टेज ना हो वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग एंड प्रोसेसिंग शुड बी मिनिमाइज डेवलप योर टेक्नोलॉजी ऑफ माइनिंग सो दैट वी आर नॉट लूजिंग द मिनिरल ऑल्सो एक्सट्रैक्शन नीड टू बी डन इन सच अ वे दैट मैक्सिमम वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अवेलेबल ओर एक्सपोर्ट ऑफ मिनिरल शुड बी मिनिमाइज ज्यादातर जो मिनरल्स हैं अगर हम उसे अपने लिए यूज के लिए रखें इट्स ऑलवेज गुड फॉर अवर डेवलपमेंट रैदर देन एक्सपोर्टिंग इट फॉर अ इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ द मनी दिस इज वॉट द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इज ऑल अबाउट इफ आई गिव ऑल माई मिनरल्स टू दंट्रीज सम अदर कंट्री फॉर देयर डेवलपमेंट येस आई विल गेट साइजेबल अमाउंट ऑफ मनी बट देन प्रॉब्लम इज माई फ्यूचर माइट बी इन एंडेंजर्ड यूज ऑफ सब्सटीट्यूट्स एंड रीसाइकलिंग ऑफ मेटल्स सो रिमेंबर दोज थ्री आर्स रेड्यूज री यूज एंड रिसाइकल ऑफ ऑल द मिनिरल्स तो हम बहुत अच्छे से मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं

ये सारे जो हैं नॉन रेनेबल हैं दैट मीन दे आर एग्जॉस्टेबल इन नेचर दे आर लिमिटेड इन नेचर इफ यू डू नॉट प्लान एंड यूज देम देन देर आर लॉट ऑफ इश्यूज प्रॉब्लम्स नॉन कन्वेंशनल में वी हैव सोलर एनर्जी विंड टाइडल जियोथर्मल बायोगैस एंड एटोमिक एनर्जी ऑल्सो सो लेट्स टॉक अबाउट ईच ऑफ देम इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोल

लिग्नाइट इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल विच इज सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट ये टाइप का कोल है लिग्नाइट ये थोड़ा सा सॉफ्ट है ब्राउन कलर है तो इसमें एक प्रॉब्लम है इफ यू बर्न दिस कोल देन देर इज लॉट ऑफ स्मोक इसकी जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी लो है इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ हीट है वो थोड़ी सी कम है तो बेटर कौन सा है कोल सबसे बेस्ट जो है वो है एंथ्रासाइट एंथ्रासाइट इज द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल अवेलेबल विद द अनादर कोल विच इज़ यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज इज ब्यूटेमिनस ये आप तीन कोल याद रखिए ए बी एन एल लिग्नाइड एंथ्रासाइड ब्यूटमिनस एंड लिग्नाइट झारिया रानीगंज बोकारो आर इम्पोर्टेंट कोल माइन्स इन इंडिया one more thing there are two types of coal available in india one is gondwana coal the other one is tertiary coal gondwana coal is 200 million old now the little new coal found in our country is lignite and it is only 55 million year ago when i say only 55 compared to 200 million so what tertiary coal hai now damodar is a region damodar river valley or the area across the damodar river especially in chota nagpur plateau west bengal jharkhand orissa you have this gondwana coal available and the lignite coal is found in the northeastern part meghalaya and assam so moving ahead from the coal we go to the petroleum it provides fuel for heat and lightning. ल्यूब्रिकेंट फॉर द मशीनरी एंड रॉ मटेरियल फॉर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मल्टीपर्पज है बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्टेस नॉडल इंडस्ट्रीज फॉर द सिंथेटिक टेक्सटाइल फर्टिलाइजर्स एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज व्हेन आई से नॉडल इंडस्ट्रीज यू विल फाइंड कि ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स और सिंथेटिक टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्रीज जो होंगे वो पाइपलाइन के इर्द गिर्द ही होंगे स्पेशली एच वी जे हज़ीरा विजयपुर जगदीशपुर ये 1700 किलोमीटर जो पाइपलाइन है इसी के इर्द गिर्द आपको केमिकल इंडस्ट्रीज मिलेंगे क्योंकि बेसिक रॉ मटेरियल इन सिंथेटिक केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज पेट्रोलियम और पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट ना कि सिर्फ पेट्रोल उसके बाय प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं न इंडिया में पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा मिलता है बॉम्बे हाई या फिर मुंबई हाई इट्स एन ऑफ श्योर पेट्रोल एक्सट्रैक्शन डन ड्रिलिंग इज डन अराउंड सिक्सटी किलोमीटर इन टू द अरेबियन सी ना नेक्स्ट कम्स इज गुजरात एंड देन आसाम दिग्बोय इज द ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया एंड इट्स द सेम एरिया फ्रॉम वेयर वी गेट पेट्रोल तो वो जो असम का एरिया है एकदम ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इज रिच इन कोल्ड एज वेल एज इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मूविंग अथ टू दैक्स्ट प्रोडक्ट विच कम्स फ्रॉम द सिमिलर वे ड्रिलिंग और दैट इज नैचुरल गैस अब नैचुरल गैस बहुत ही एफिशियंट फ्यूल है और नेचर पर इसका कोई भी इल इफेक्ट नहीं है इफ इट इज नॉट अफेक्टिंग द नेचर इट इज नॉट अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ पीपल टू क्योंकि स्मोक नहीं है ना पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर द की यूजर ऑफ द नेचुरल गैस अपार्ट फ्रॉम दैट सी एन जी विच वी यूज for our domestic purpose, joe future, even in cars, cng is the future, considered future. if we develop our technology in better way and have the safety of consumer, then this is the absolute good future. compressed natural gas is what we are talking about here, cng. large reserves of natural gas have been discovered in certain area of krishna and godavari basin, as well as in the. स्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री इन गुजरात एंड राजस्थान देखिए ये रिजर्व है विच मीन्स यहां पर जो है चालू है ड्रिलिंग चेक कर रहे हैं डू वी हैव द रिसोर्स और नॉट अगर मिलेगा तो हम करेंगे तो पोटेंशियल यहां पर बहुत है नॉ एज आई सेड इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी लेट्स टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिज मिनरल हियर स्पेशली ऑयल फील्ड और गैस फील्ड जो है दिस इज मुंबई है विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट

सिर्फ रिसर्च है सो रिमेंबर विच आर इम्पॉर्टेंट बट नॉट दोटेंशियल वन मूविंग हेड वी आर ऑन टू कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर है देखिए कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब एबेंडेंटली अवेलेबल एंड इसका इल इफेक्ट्स ज्यादा नहीं है वेर आई टॉक अबाउट इल इफेक्ट्स दे डू नॉट अफेक्ट नेचर नॉर दे हैव एनी इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी क्योंकि स्मोक ज्यादा नहीं होगा इन सब में आपको मेरिट और डीमेरिट याद रखने हैं सभी सोर्सेस में तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ डू वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन आर कंट्री देर आर टू मेजर वे वन इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो कि कैसे किया जाता है वी मेक डैम एंड देन फ्रॉम देयर वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी द मेजर डैम्स इन इंडिया विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर अस आर भाकरा नांगल दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड कोयना हाइडल वाटर प्रोजेक्ट ये सब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारे हैं ये मेजर के नाम हमने आपको दिए हैं और हाउ डू वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय रनिंग वाटर विच ड्राइव्स द हाइड्रोटर्बन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी दिस इज वॉट दे डू दे मेक अ रिजर्वायर देन दे हैव अ जनरेटर हेयर देन वैन दे थ्रू द वॉटर जो ग्रेविटेशनल फोर्स से आएगा एंड देन इट विल रोटेट द टर्बाइन एंड दैट टर्बाइन विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी द अदर वे इज बाय बर्निंग कोल ना बाय बर्निंग कोल वैन वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी वी कॉल इट एज थर्मल पावर स्टेशन द प्लेस एंड इट इज अ थर्मल एनर्जी अब बहुत सिंपल सा चीज है आई एम टॉकिंग अबाउट हाइडल फर्स्ट मेरिट क्या है हाइडल के क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक है पहला चीज और ड्रॉबैक क्या है ड्रॉबैक आपने देखा होगा वेन वी वर डूइंग अबाउट द डैम्स बहुत सारे ड्रॉबैक हैं वंस यू मेक रिजर्व आयर इट अफेक्ट्स नेचर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल समर्जिंग ऑफ द फ्लोरा एंड फाउना तो बहुत इशूज हैं तो आप ड्रॉबैक्स याद रखिए थर्मल पावर का लॉट ऑफ पोल्यूशन ठीक है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी है एंड इट हैज अ इल इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ पीपल नाउ वी आर डूइंग अ डिफ्रेंसी बिटवीन थर्मल एनर्जी एंड हाइड्रल एनर्जी सी थर्मल एनर्जी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज ड्राइव फ्रॉम कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस ये सारे के सारे जो है ज़्यादातर आपको फॉसिल फ्यूल्स ही होंगे तो ये कैसे टाइप के हैं ये नॉन रिन्यूएबल हैं मतलब ख़त्म हो जाएंगे एंड देन वॉट इज द इफेक्ट दे क्रिएट्स पोल्यूशन अगर पोल्यूशन है तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होगा एंड देन ह्यूमन इफेक्ट भी होगा कैन बी इंस्टॉल्ड एनी थर्मल पावर स्टेशन एक्चुअली सी व्हेन दे टॉक अबाउट आई कैन बी इंस्टॉल्ड एनी ओनली क्लोज टू प्लेस वेयर कोल कैन बी मेड अवेलेबल कोल इज अ वेरी हेवी मिनरल तो आप उसको ज़्यादा लंबा ट्रांसपोर्टेशन नहीं करोगे और आप एक चीज़ याद रखिए जहाँ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कोल माइन के नज़दीक ही होगा भोकारो झारिया रानीगंज मेजर थर्मल पावर स्टेशन है और पर यूनिट कॉस्ट इज वेरी हाई ओवर हियर

इंस्टॉलेशन डिपेंड्स अपॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंड ओनली अप्लीकेबल इन माउंटेन एरिया प्लेन एरिया में डैम बनाना ज्यादा खर्चीला होता है और नुकसानदायक होता है इसीलिए मोस्ट ऑफ द हाइड्रल पावर स्टेशन वुड बी देयर इन हिली एरिया और इन हिमालयास रिक्वायर्स ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट सो सी वेन दे सी वन टाइम इन्वेस्टमेंट इज वन टाइम हैवी इन्वेस्टमेंट देन रिपेयरिंग जो है कॉस्ट ऑफ मेंटे होता है दैट अकर्स रेगुलरली मूविंग अड टू दैक्स्ट पार्ट एंड इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन सी आई एम गोइन टू टॉक अबाउट थर्मल पावर स्टेशन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल पावर स्टेशन की आप जो गोल्ड डॉट्स देख रहे हो वो सारे के सारे थर्मल पावर स्टेशन है और वही ज्यादातर आपके कोल माइन्स हैं सी वन सिंपल वे टू रिमेंबर दिस इज एक मैप ले लीजिए जहां पर कोल माइन्स हैं और दूसरा मैप ले लीजिए जहां पर थर्मल पावर स्टेशन है और दोनों को सिम्परपोज कीजिए आप देखोगे कि बिल्कुल सेम ही जगह होंगे थलचर कोरबा अमरकंटक दुर्गापुर ये मेन है रिहान्द है देन वी कम टू हेयर यू वी हैव ट्रॉम्बे उरन इन महाराष्ट्र देन पंखी नियर टू कानपुर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्मल पावर स्टेशन जो ज़्यादातर मैप मार्किंग में आते हैं नाउ वेन वी टॉक अबाउट न्यूक्लियर पावर प्लांट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड सी वी हैव ओनली सिक्स न्यूक्लियर पावर प्लांट वो सिक्स के सिक्स एक बहुत सिंपल सी चीज याद रखिए चार जो है वो कोस्टल एरिया में बिकॉज लॉट ऑफ वाटर इज दैट्स वाई दे आर इन टू द कोस्टल पार्ट ऑफ आर कंट्री तो याद कैसे रखना है सबसे पहले वेस्ट पार्ट में जो इंडिया का सबसे पहला है तारापुर इट इज इन महाराष्ट्र काकरापारा नियर टू सूरत एंड देन कायगा इज यर इन कर्नाटका एंड देन इट इज कल्पाकम वेरी क्लोज टू चेन्नई ये मेजर है साउथ में आप आ जाते हैं जो बहुत पहले से थे जो इनलैंड में थे वन इज रावत नियर कोटा एंड नरोरा इन उत्तर प्रदेश ये मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं नाउ वेरी रिसेंटली इंडिया इनॉग्रेटेड वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑन द अर्थ एज वेल एज द सेफेस्ट एज सेफ एज एनी न्यूक्लियर प्लांट इन फ्रांस कैनेडा और इन जापान एंड इट इज कुडानकुलम कुडानकुलम इज़ वेरी क्लोज टू कन्याकुमारी और इट इज़ इन कन्याकुमारी सो यू कैन मार्केट ओवर हिर नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्लांट न्यूक्लियर एनर्जी और हाउ डू वी गेट न्यूक्लियर एनर्जी बाय फ्यूशन एंड फिशन रिएक्शन एटम्स कोलाइड होंगे दो और एटम निकलेंगे और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो हमें उसमें रॉड डालनी होगी जो आपके एक्सेस ऑफ एनर्जी को कंट्रोल करेगी ये कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन है एक चीज़ याद रखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी और सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक एनर्जी प्रोड्यूस न्यूक्लियर पावर प्लांट से की जा सकती है एज वी वर टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर पावर प्लांट द सिक्स विच दे हैव मैंशन हेयर आर तारापुर महाराष्ट्र कल्पाकम इन तमिलनाडु क्लोज टू चेन्नई एज ए सेड रवत भाटा इट इज़ कोटा इन राजस्थान काकरापाड़ा नियर टू सूरत इन गुजरात कायगा इन कर्नाटका एंड नरोरा इन यूपी सी The fuel which is used in nuclear power plant is uranium and thorium. We have the production or we find uranium and thorium in Jharkhand, Rajasthan, and Kerala. Thorium is available in monsite sand and it is abundantly available in Kerala and the coast of Kerala. Electricity generated from nuclear resources is 2720 megawatt, 4% of the total production of the energy. विच इज़ वेरी लेस फोर परसेंट जो है बहुत कम है बट देन जस्ट कंपेयर हाउ मेनी थर्मल पावर प्लांट एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स वी हैव एंड हाउ मेनी न्यूक्लियर वी हैव ओनली सिक्स न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड यू वोट बिलीव वी हैव ऑलमोस्ट हंड्रेड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट प्लांट्स एंड थर्मल पावर प्लांट्स तो कंपेरिजन में बहुत कम की एफिशेंसी बहुत ज़्यादा है India's energy hope lies in nuclear power, or rather, the whole world's energy hope lies in nuclear power. But you need to use it for a better purpose for the development of the mankind, not for the development of bomb, nuclear bomb, or to scare your neighbors out. 67% of India's current energy requirement comes from coal, which is non-renewable and also creates lot of pollution. So, our best. ऑप्शन क्या है न्यूक्लियर एनर्जी बिकॉज हमारे पास रॉ मटेरियल है देखिए यूरेनियम इज़ वेरी एक्सपेंसिव और जो हमारे पास भरपूर है इंडिया हैज़ वास्ट डिपॉजिट ऑफ न्यूक्लियर रिसोर्सेज अबाउट फिफ्टी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड थोरियम डिपॉजिट विच इज़ द रॉ मटीरियल इज फाउंड इन इंडिया तो जो सबसे मेजर सोर्स है वो हमारे पास अवेलेबल है जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल है थोरियम एक और चीज़ thorium is one kind of fuel used in nuclear energy and uranium is the another one we have thorium we do not have uranium or bohokama uranium hydroelectricity is pollution free and renewable but it has got its own limitation go back to the chapter water resources and we discuss about the drawbacks of dams you will get this answer it. so what is the conclusion India is a developing country which requires lot of energy for its industrial development which can only be filled by nuclear power. As we said the future of the country is nuclear power. Let us talk about some other sources of energy which we have apart from nuclear energy. See, how do we produce this nuclear energy? As we said now, altering of the structure of atom, uranium and thorium are used for uh, generating electricity. ये बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर है बहुत एक्सपेंसिव है और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज द डिस्पोजेबल ऑफ द न्यूक्लियर वेस्ट इट इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एंड टेक्नोलॉजिकली वेल एडवास्ड कंट्रीज आर एबल टू डू एंड डिस्पोज द न्यूक्लियर वेस्ट सी यू एस आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन फैक्ट यू एस जो डिस्पोज करता है न्यूक्लियर वेस्ट दे आर प्लानिंग टू डिस्पोज इन यूनिवर्स मतलब वो स्पेस में जाकर डिस्पोज करना चाहते हैं एंड दे हैव डिस्पोज इन सहारा डेजर्ट मतलब अपनी कंट्री में नहीं वाई बॉस आ लीक फ्राम आ न्यूक्लियर वेस्ट और इफ़ यू कम इन कॉन्टैक्ट विद रेडिएशन जो बहुत स्ट्रांग होता है यूरेनियम में इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम कैंसर ऐसे हो जाएगा आपको चुटकियों में कैंसर एंड देन स्किन डी के इंग और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मिसकैरेज डिफॉर्मेलिटी ये सारी कॉमन चीजें हैं न्यूक्लियर एनर्जी की रिमेंबर हिरोशिमा नागासाकी बहुत लंबे टाइम तक जो भी बच्चे पैदा हो रहे थे डिफॉर्म और सम और दी अदर मेंटल और फिजिकल इलनेस वॉज देयर विद इट्स ऑल बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी तो ये इतना अनसेफ भी है तो एक्स है तो फ्यूचर इफ यू प्लान प्रॉपरली अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है तो एक काम करते हैं बहुत एबेंडेंटली जो अवेलेबल है ना जो बिल्कुल इसके इतना ही पावर रखता है हम उसकी बात करते हैं सोलर एनर्जी आई गेस एबेंडेंटली अवेलेबल अक्रॉस आवर कंट्री रीजन इज वी आर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्री मतलब एबेंडेंट ऑफ सनलाइट एबेंडेंट ऑफ सनलाइट मतलब फ्री की एनर्जी है बस नीड टू यूटिलाइज इट उसको हार्डनेस कैसे करना है बचपन में आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा सोलर कुकर सोलर एनर्जी तो बिल्कुल बस उसी फंडे पे ये काम करते हैं एकदम नीट एंड क्लीन एंड हाई एफिशिएंट एनर्जी है तो ड्रॉबैक क्या है ड्रॉबैक इस रेनी सीजन रेनी सीजन में जो है सोलर एनर्जी की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है तो आप शायद यूज़ नहीं कर सकते हो लेट मी शेयर अ फैक्ट अबाउट सोलर एनर्जी हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ एंड हाउ अबेंडेंटली इट इज़ आई वॉज रीडिंग एंड आई रेड इफ यू मेक अ सोलर प्रोजेक्ट और अ प्लांट इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जोधपुर जितनी बड़ी जोधपुर है उतना बड़ा अगर आप सोलर प्लांट लगाओगे तो यू कैन प्रोड्यूस एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर होल कंट्री फॉर वन ईयर आप सोचिए कितना इंपैक्टफुल है एंड इफ यू मेक अ सोलर पावर प्लांट इन द होल स्टेट ऑफ राजस्थान इट कैन प्रोड्यूस सोलर एनर्जी एंड कैन केटर द डिमांड ऑफ द होल वर्ल्ड फॉर थ्री ईयर्स तो फिर हम करते क्यों नहीं है सवाल है ना इसलिए नहीं करते हैं वेरी एक्सपेंसिव जो सोलर पैनल्स होते हैं वी यूज जर्मेनियम इन दैट और जर्मेनियम जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है और तो उसका जो रख रखाव है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है इसीलिए वी डू नॉट यूज़ इट ये ड्रॉबैक है वन टाइम इन्वेस्टमेंट है बट बट तो आप सोच लीजिए कि कंट्री का फ्यूचर या दुनिया का फ्यूचर क्या है सन वेन देर वॉज नथिंग नो इलेक्ट्रिसिटी वी वर लिविंग ओनली ऑन सन तो उसी को बेटर यूज हमें करना चाहिए लेट्स मूविंग अहेड एंड टॉक अबाउट विंड एनर्जी अनादर सोर्स विच इज एवेडेंटली अवेलेबल इन आर कंट्री क्योंकि हम मानसून विंड्स पर डिपेंडेंट हैं स्ट्रीम्स हैं बट जेस्ट्रीम्स इस पर कोई असर नहीं लाती हैं तो डोंट गो बैक टू द क्लाइमेट लेट्स टॉक अबाउट दिस एनर्जी अगेन क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी का फायदा क्या है नो इम्पैक्ट ऑन नेचर एडवर्स इफेक्ट नेचर पर नहीं होगा एडवर्स इफेक्ट हमारी हेल्थ पर भी नहीं होगा देखिए बार बार मैं ये दो ही चीज़ें कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहता हूं हर एक सोर्स के मेरिट सेम ही है और हर एक सोर्स के डीमेरिट भी ऑलमोस्ट सेम है ऑलमोस्ट टू पॉइंट्स आपको दोनों में सेम मिलेंगे बस एक स्पेसिफिकली डिफरेंट रखना होगा सो लेट्स टॉक अबाउट विंड पावर वी यूज विंड मिल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी हेयर अगेन अ वेरी नीट एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी नो पोल्यूशन नो इफेक्ट ऑन हेल्थ विंड पावर पोटेंशियल इज ट्वेंटी थाउजेंड मेगा विच इज एनॉर्मस If we compare with the other sources of energy, 85 sites with a potential of 4,500 megawatt have been identified in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat, Kerala, Maharashtra, and Lakshadweep. Largest windmill farm cluster is of 150 megawatt located in Tamil Nadu. It is from Coimbatore to Nagarkoil. Around 300 kilometer if you travel, you will see lots of windmill. up drawbacks. Again, very expensive to सेटअप एंड ट्रांसपोर्ट क्योंकि विंड मिल के जो जो विंग्स हैं ये बहुत बड़े होते हैं दे आर ए ह्यूज साइज देन इसका जो मेंटेनेंस है अगेन वेरी वेरी एक्सपेंसिव तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्सपेंस इज वन बिग इश्यू बट गुजरात मध्य प्रदेश एंड राजस्थान नाउ वट डेज स्पेंडिंग आर लॉट ऑन विंड मिल एंड वी आर एबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी टू सस्टेन द लाइफ ऑफ द पीपल ओवर देयर एंड द सिटीज तो ये अभी फिलहाल फ्यूचर ही है और ये बहुत अच्छा एक्सपेंस है पी मोदी रिसेंटली इनागरेटेड वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट एज वेल एज द विंड एनर्जी इन राजस्थान तो एक अच्छे डायरेक्शन में वी आर मूविंग लेट्स अबाउट बायोगैस वन ऑफ द इजिएस्ट अवेलेबल फ्यूल इन आर कंट्री बट वी आर नॉट हार्नेसिंग इट टू दैट लेवल सो सबसे पहले बायोगैस प्लांट बनाना बहुत ही सस्ता है अब ये कहाँ हो सकता है रूरल एरिया में क्योंकि यहाँ पे फ्यूल क्या है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पुट इन टू अ टैंक देन इट इज लेफ्ट फॉर डिकम्पोजेशन अ वाटर इज पुट इंटू इट अ स्लरी इज मेड देन वेन इट डिकम्पोजिट इट रिलीज अ गैस एंड देन दैट गैस इज यूज एज अ फ्यूल बहुत सिंपल है स्ट्रक्चर भी सिंपल है कॉस्ट इफेक्टिव भी है अबेंटली अवेलेबल है और मेरिट्स देखिए नाउ कोई पोल्यूशन नहीं है बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है बट देन एक ड्रॉबैक है ड्रॉबैक ये है कि अगर इफ यू डोंट हैव अ बायोडिग्रेडेबल फ्यूल देन इट विल नॉट वर्क थर्ड थिंग जो आपको याद रखनी है इसमें वो ये है कि बायोगैस की जो एफिशिएंसी है इज नॉट दैट हाई एज कंपेयर टू द अदर नाउ सेकंड थिंग जो ड्रॉबैक है बायोगैस का वो ये है कि देखिए यू नीड टू हैव अ गुड सपोर्ट और ये कोऑपरेटिव्स के तौर पे ज़्यादा बेटर वर्क करते हैं तो इंडिविजुअली पीपल डू नॉट गो फॉर बायोगैस तो स्पेशली विलेज पंत नीड टू कम अप गवर्नमेंट नीड टू प्रोवाइड द सपोर्ट देन द बायोगैस प्लांट विल कम एंड ज़्यादातर एक बहुत अच्छा फायदा ये है दैट स्लरी इज यूज एज अ नेचुरल मैन्यर तो वो भी वेस्ट नहीं होता है वरना हम क्या करते हैं वी विल मेक काउडन केक्स ऑफ द काउ डंग एंड देन वील बर्न देम उससे बहुत पॉल्यूशन होगा नाउ हेयर इन वॉट वी डू वी पुट द डंग इन टू दिस टैंकर एंड देन वील लीड टू डिकम्पोजिशन एंड देन द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस तो बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है अनफॉर्चुनेटली उतना ज्यादा अब नहीं हो रहा है नाव वेयर टू भी यूज दिस बायोगैस एन स्पेशली यूज टू इन कुकिंग एंड इन लाइटिंग फॉर स्मॉल हाउसेज एंड ऑल तो वो ज्यादातर यूज होता है बायोगैस का जो कि काफी है इन अ रूरल एरिया मूविंग अड टू टाइडल एनर्जी वेन यू हैव सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर ऑफ द कोस्ट लाइन यू नीड टू यूज द टाइडल एनर्जी इफ यू विजिट टू द प्लेसे नियर द कोस्ट स्पेशली इफ यू गो टू सिटीज लाइक चेन्नई एंड मुंबई यू विल सी द पावर ऑफ टाइड दिस पावर ऑफ टाइड अगेन यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज There is a turbine. Whenever they in the creeks, uh, they make the turbine. They make the setup. This tidal energy is used to re, uh, rotate the turbine, and then then turbine will produce electricity. Again, neat and clean source of energy. Neat and clean source of energy, but setup is expensive. Maintenance is expensive. In India, Gulf of Cambay, Gulf of Kutch in Gujarat, and western coast then gangetic delta in sudhama region in west bengal are regions where we are producing tidal energy yes it is not on that big scale or large scale but we have tested and it is giving us a good result so soon in coming years we will have more tidal power generation plant let's talk about the next big thing geothermal energy biggest drawback very rare only at the places where you have geo energy what is geothermal energy see you know earth there is a tectonic movement tectonic plates are there and then there is a lava molten lava uh, inside the core and that lava is trying out uh, trying very hard to come out Joe explosion hoga the volcano see when the intensity of the flowing lava settles down and becomes low it vents into the cracks and crevices between the folds and the faults of uh, the tectonic plates here if suppose there is a plate, and on this there is a molten lava, but obvious this will raise the temperature of the upper plate, and then if this upper plate you have any water source, to go garam hoga, garam pani hoga and that hot water will give steam out of it. That steam with a high pressure will try to come out of the earth, and that is used to generate the electricity. So, geothermal energy in India, we have Two plants now they are testing plants. So, not we are not commercially producing the geothermal energy but testing plants in Parvati Valley near Manikaran, Himachal Pradesh close to Manali and Puga Valley in Ladakh. See the biggest drawback, as I said, it is not available across the nation. This is the drawback of geothermal energy. Ka. Now, conservation of energy resources, remember sustainability. We

अगेन वही चीज़ें जब घर से आप बाहर जा रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी जो स्विचेस है, uh, हैं वो स्विच ऑफ करके जाइए यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस नाउ द बेटर टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस द टेलीविजन एंड द रेफ्रिजरेटर द वॉशिंग मशीन जो एफिशिएंट हैं काफ़ी उनको आप यूज़ कीजिए यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी प्लीज़ स्विच ऑन टू सोलर एनर्जी बायोगैस जियो थर्मल यू कांट अपने घर में ही आग लगा के बैठ जाएंगे हम ठीक है सो दिस आर द वे बाय विच वी कैन हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट And this was our chapter Mineral and Energy Resources. Please keep revising and keep smiling.